सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है थर्सडे, मेरी है ऑफ इसकी छुट्टी। और अभी हम लोग उठ चुके हैं सुबह सुबह, और अभी भी नींद आ रही है, तो अभी दोबारा से मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। नहा धोके सो जाऊँगा, और फिर आप लोगों को एक सरप्राइज़ जो घर वालों ने दिया है वो आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि यह वो सरप्राइज़ क्या है। कंटिन्यू व्लॉग में बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके साला, एसी बंद करते ही ना गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो चलो तेनु और करते हैं दिन को स्टार्ट। तो आज क्या करने वाले हो आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खाना बनाने और ड्यूटी है सुबह सुबह। और फिर खा के मैं भी सो जाऊंगा और शाम को जाऊंगा। छुट्टी है तो आज खा के सो जाएंगे। तो कुछ काम नहीं करता ना, पापा को ऑफिस जाना है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले चावल और रोटी। और टेस्टी बनाती है छोले चावल, टेस्टी बनाती है भाई कसम से। और इनकी के लिए मैं सबके पराठे बनाऊंगी, आलू के पराठे इसके लंच में। सो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से शाम को दूसरे प्लॉट पे। नहीं तो मन कर रहा है कि पत्ते की सब्जी बनाओ। पत्ते की सब्जी? आज मैं पत्ते की सब्जी बनाऊंगी पक्का। और गाँव में जो भी बोलते हैं उसको उसकी सब्जी बनाऊंगी और आप लोगों से रेसिपी उसका शेयर करूंगी। रेसिपी कैसे बनता है? चलो वैसे ये बिहार के लोग ज़्यादा जानते हैं कि गिरमच होता क्या है। बनाऊंगी मैं। चलो चलते हैं और करते हैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आप लोगों से शाम को। Approximately 10 hours later. गाइस आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि गाइस आप लोगों को जैसे कि पता है कि सारे यूट्यूबर्स का एक स्टूडियो होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर। तो गाइस मुझे भी काफ़ी शौक था कि मेरा भी एक छोटा सा स्टूडियो हो। तो काफ़ी दिनों से मैंने भी घर वालों से मैंने बोला था कि यार मुझे भी मतलब कि स्टूडियो ओपन करना है। भले हम उसके अंदर जाके बैठे या एडिटिंग करें, कुछ भी करें, एक्सपाइजर। सो गाइस वो दिन आज आ चुका है। पापा ने काम भी स्टार्ट करा दिया है, आप लोग देख रहे होंगे पीछे ये स्टूडियो बनना स्टार्ट हो चुका है। और नेक्स्ट वाले व्लॉग में हमारा स्टूडियो भी देखने को मिल जाएगा। और इसके पीछे मम्मी का काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि मम्मी ने काफ़ी रिक्वेस्ट करके पापा को बनाया है और पापा फिर फाइनली मान चुके हैं। तो गाइस इसके अंदर मतलब कि जैसे जैसे सभी लोग रखते हैं ना अपने स्टूडियो को साफ़ सुथरा बना के और काफ़ी सारे मतलब डिज़ाइंस के लाइट्स लगवा के, तो ऐसे ही कुछ मैं भी करने वाला हूँ। तो एक दो व्लॉग के आगे आप लोग को दिख जाएगा कि मेरा स्टूडियो कैसा है। और लाइक मैंने तनु को भी नहीं बताया था अभी, बट यह है कि पापा ने शायद बता दिया है। तो अभी जाऊँगा अभी घर पर मैं अपने दूसरे वाला प्लॉट लूँ जहाँ पर मेरा स्टूडियो रेडी हो रहा है। और काफ़ी खुशी हो रही है यार, क्योंकि एक ऐसा सरप्राइज़ है जो फादर ने मुझे दिया है कि मतलब कि मैं इसको बता नहीं सकता बिल्कुल भी। तो अभी बनना स्टार्ट हो चुका है और दो चार दिन में फाइनल हो जाएगा। और यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसा भी ये मुझे सरप्राइज़ पापा ने दिया था तो मैंने सोचा चलो एक बार आप लोगों से शेयर कर लूँ कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। और जैसा कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि गाइस जो भी होगा मेरे लाइफ में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल क्लियर रहेगा, कोई भी फेक मैं बातें नहीं बोलता हूँ, जो होता है मैं आप लोगों को वही दिखाता हूँ। सो और आप लोग काफ़ी मेरे वीडियोस है प्रैंक वाली काफ़ी आप लोग प्यार देते हो, प्लीज़ उसके लिए दिल से शुक्रिया। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और स्टूडियो भी हमारा बनना रेडी हो चुका है और जब फाइनल हो जाएगा सब मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगा। तो एक बार खुलते हैं और देखते हैं अंदर कैसा काम हो रहा है। काफ़ी छोटी जगह थी बट यह है कि इसी के अंदर ही मैनेज करना पड़ेगा, काफ़ी सारे सामान यहीं पर रखा हुआ है। और अभी अंदर घुसने के लिए मना किया है बट मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँ कि इतना बड़ा हमारा स्टूडियो रहेगा। और ऊपर मैंने लिंटर नहीं डलवाया, मैंने पट्टी डलवा दिया है ताकि थोड़ा सा सस्ते में जुगाड़ हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि घर वालों ने परमिशन दे दिया तो मैं काफ़ी पैसा इसमें ख़राब कर दूँ। और गाइस ये यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। और अभी यहाँ पे कुर्सी रखी हुई है, मम्मी बैठ रही थी क्योंकि दिन में बारिश जब आया था तब इसके नीचे मम्मी बैठ गई थी। तो फिर लगा नहीं गाटर? गाटर नहीं लगा तो सही है, काम चल जाएगा ना इस पर?
तो कर दो, क्या दिक्कत है? कुछ इसमें कमी आ गई है इस गाटर के अंदर, तो वही भैया बता रहे हैं, तो हो सकता है मैं अभी चेंज भी करा दूं, क्योंकि रिक्स नहीं लेना ना यार। हैं, चार फुट का टीआर लग गया। अच्छा हाँ, बेल्ट करवाना पड़ेगा। चलो इसका देख लेते हैं फिर। एक यहाँ पे रोशनदान दे दिया है, यहीं पे एक जोश या पर कटन्स लगवा दूंगा। 13x15 का एक। सो गाइस, अभी छत पे डालने के लिए पन्नी चाहिए, तो अभी मैं पन्नी लेने जा रहा हूँ। पूरा पन्नी लेके आना है जो पानी वनी से बचाएगा। सो चलते हैं, पन्नी लेके आते हैं। गाइस, अभी क्या हुआ, जब मैं पन्नी लेने गया ना हार्डवेयर की दुकान पे, तो ये 200 रुपये की पड़ी। तो कह रहे कि यार मैं पेटीएम ले लूँगा, कैश लूँगा। मैं भाई कैश तो नहीं है, पेटीएम ही लेना पड़ेगा। तो कह रहा यार मैं तो काफ़ी नुकसान करवा रहा हूँ अपना। मैं कैसे अंकल जी कोई भी फ्री में तो देता नहीं है। मैं 200 रुपये का लेके आ गया। शाबाश बेटा। अब ऐसा हो कि वहाँ जाए और काम हो जाए, ऐसा नहीं कि फिर भाई छोटा पड़ गया बड़ा पड़ गया, फिर दिक्कत आता है। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार। सो गाइस, अभी पापा ऑफिस से आ चुके हैं। बूंदी वाले लड्डू ले लियो, बूंदी वाले। अरे ठसे में गया था फीस जमा करने। क्यों, फीस जमा कर दिया, क्या दिक्कत है? अच्छा ले आ लड्डू, ले आ, देखा लड्डू दे दे मिस्त्री को। मिस्त्री साहब ले लड्डू लो। पूजा करोगे? पूजा, ओके। पूजा ने के बाद प्रसाद मिलेगा। हैं, 1950। पूजा पापा कहाँ पर हुआ फीस जमा? यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक में कौन? पापा ही जाने जरूरी था, साइन भी लगता है क्या पापा का? तो बताए थे क्या? बताए थे, वो तो मैं तो जग गया, मैं तो पेट्रोल बोल रहा था कि वो तो मैसेज आया है कि जाके जमा करना पड़ेगा। किसने? बोला था कि बच्चे का पापा ही आएगा, उसी जमा करेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो जाके कर लिया था, मैं बोल देते मेरा ड्राइवर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कल से प्लास्टर चालू करोगे? कल से प्लास्टर। आकाश, टंकी खाली हो गई है, मोटर चालू कर दे फटाफट। A few moments later. क्या बना रही है? पत्ते की सब्जी बना रही है। पत्ते की सब्जी, पत्ते की सब्जी दिखा दो, दिखा दो सही कैसे बना रही है। अरे दिखा दो दे। है नहीं पत्ते की सब्जी। अरे दिखा दो दे कैसे बना रही है, क्या क्या रेसिपी है? बेसन। ये वैसे कोई बना नहीं सकता, वैसे शहर वाले तो नहीं बना पाएंगे। बेसन, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और रात को ही खाना है। और उसके बाद सही है, मेहनत तो लगता है इसको बनाने में बहुत ज्यादा। क्या क्या लगता है? हल्दी पाउडर, बेसन, और ये सारा मिक्स मसाला है, गरम मसाला, हल्दी, नमक। अच्छा, और फिर बना के ऐसे रेडी होगी, ऐसे ऐसे कर देगी, उठा के दिखाना इसको, मतलब पहले ऐसे रहेगा, फिर से कैसे इसको पानी में उबालेंगे। अच्छा, अच्छा अच्छा, फिर चल नमक दो ना, कम हो गया। ये मसाला है, इसमें लहसुन है, प्याज है, मिर्ची है, और गरम मसाला है, दो थोड़ा सा नमक। चलो ठीक है, आप जल्दी से खाना बनाओ, हम खाना खाते हैं, ठीक है? बेसन कम पड़ गया, तो दो ना थोड़ा सा, इसमें खाना खाते हैं तो। अरे राम, फिर कैसे खाना बनाते हो ना? अभी देखो बोल रहे लो पूरा डाल रहे हैं, फिर कैसे तू? दिमाग के एकदम खत्म बड़े ही। उनको सिखाओ पहले, खाना बनाने सीखो। आप जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे खाने बनाओ, ऐसी ऐसी रेसिपी तैयार करो फटाफट बना के।
छोड़ दो ना, लो 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 चल जल्दी बना के रेडी करो पहले। हाँ एम में थोड़ा सा ये ऐसे कर दो ना। क्या बेटा ये क्या लिखा हुआ है? आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, ए लिखो ये बॉय, यहाँ लिखो बॉय, बी ए वाई, बी ओ वाई, क्या बोलते हैं इसको? आई एम ए बॉय, बॉय क्या बोलते हैं बोलो, बोलो तेज से बोलो, आई एम ए बॉय, बोलो नहीं बोलो आई एम ए बॉय, आई एम बोलो, पहले तुम बोलो, पहले बोलो आई एम ए बॉय, अब तुम बोलो, बोलो क्या बनना, बन गया खाना अभी? कहाँ बना, इसको उबाल लेते हैं तो जल्द जल्दी से बनाना, ये सारे के सारे वेट कर रहे खाने के लिए। ना होगा अभी तलेंगे फिर मसाले होने तो। लिखो ढासे ढोलक है ना, लिखो शाबाश बहुत बढ़िया। सो गाइस बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है यार, मुझे तो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। और ये मनानी काम कराती नहीं है, रोज कराती हूँ मैं काम, आज कराती तो बहुत हुआ है, एक दिन तो कराए हो बेटा, आराम से पढ़ना ठीक है, कम्प्लीट। बाबू ने भी दूध पी लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना है ना, बाय।